गाइस, सो अभी बजे है 5:45, तो हम लोग आ गए थे करीबन 3:30 को. देन हम लोग सोए, थोड़ा सा रेस्ट लिया, फिर हम लोगों ने सोचा हम लोग आज जाएंगे एक क्राबी स्ट्रीट वॉक में. वहाँ पे पिंग्स करने के लिए अच्छी जगह है, मार्केट है बेसिकली, और खाने के लिए मतलब स्ट्रीट शॉपिंग है, और कुछ हम लोग खा भी सकते हैं, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट होटल्स वगैरह है. ओके गाइस, सी यू इन अ बिट, बाय बाय. एक्चुअली क्राबी में ऐसा है कि फ्राइडे, सैटरडे और संडे तीन दिन कुछ नाइट मार्केट रहता है, क्राबी नाइट मार्केट जिसे बोलते हैं. तो फॉर्चुनेटली टुडे इज सैटरडे, तो वी डिसाइडेड टू गो देयर. और वहाँ पे ऐसा था कि खाने के लिए बहुत सारे शॉप्स थे, वो शॉपिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें थी. तो पहले तो मैंने ये लिया, आई लाइक दिस इज एलिफेंट, इट्स मैचिंग टू माई नेल पेंट बाय द वे. ओके, तो ये मैंने लिया है. और जब हम लोग खाने के लिए गए, तो दो आई एम नॉन वेजिटेरियन, हार्ड कोर नॉन वेजिटेरियन वी बोथ आर, बट हमें वो देख के, मतलब हमने एक डिश ली, वो इतनी ख़राब थी, मतलब उसमें इतना फिश का स्मेल आ रहा था. फिश तो मेरा मतलब ऐसा है कि मैं रोज़ खा सकती हूँ, बट और उनका टेस्ट ही अलग है, ना स्पाइसेस है, ना सॉल्ट है कुछ. बेसिकली इंडियंस को पसंद नहीं आएगा, वेजिटेरियंस तो दूर की बात है, इधर तो नॉन वेजिटेरियंस को भी पसंद नहीं आया. तो फिर भी हमने एक चिकन बकेट लिया था, वो बेटर था, जिसमें हमने चिली सॉस वगैरह डाला है, तो दैट वी हैड. और उसके बाद हमने एक भेड़ लिया, भेड़ मतलब ऐसे नॉर्मल अपनी जैसी भेड़ रहती है वैसे बिल्कुल नहीं थी, बहुत सारे सलाड्स थे उसमें, देन राइस का कुछ था, तो वो भी गंदा था, सॉरी टू से, बट अच्छा नहीं था वो. तो हमने वो बिल्कुल भी नहीं खाया, दो स्पून खाए होंगे बस. फिर हमने एक अच्छी चीज़ खाई, वो मतलब
कोकोनट आइसक्रीम, वो बहुत यम था. मतलब उसमें एक्चुअली कोकोनट था और फिर उसमें वनीला आइसक्रीम था, फिर चॉकलेट सिरप ऊपर से डाला था, तो वो एक अच्छा था. मेरी भूख कुछ गई नहीं तो हम लोग यहाँ पे आए. फिर इंडियन एक रेस्टोरेंट है, ताजमहल पैलेस, इंडियन इंडियन पैलेस, ताजमहल इंडियन पैलेस. तो हमने वहाँ पे पनीर टिक्का खाया, विच आई फेल्ट वेरी गुड. अदरवाइज मैं होटल में जाती हूँ तब मैं कभी वेजिटेरियन खाती नहीं हूँ, बट दिस टाइम मुझे चिकन नहीं चाहिए था, मुझे प्योर वेजिटेरियन चाहिए था, वो भी पनीर ही चाहिए था. तो मैंने हमने पनीर ऑर्डर किया और पनीर खाया, पनीर एंड रोटी, दैट्स इट वी हैड. देन हम लोग फिर से बाहर गए थोड़ा चलने, फिर हमने मैंगो जूस लिया दैट वी हैड यस्टरडे ऑल्सो बिकॉज वी लाइक इट. हम लोग सुबह ही चेकआउट करने वाले हैं 8 बजे, क्योंकि हमें जाना है कयाकिंग करने. हम लोगों ने दो ऑप्शन रखे थे, एक तो कयाकिंग था और दूसरा था एलिफेंट ट्रेकिंग. बट फॉर सम रीजन आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट एलिफेंट ट्रेकिंग, सो वी डिसाइडेड टू गो फॉर कयाकिंग. सो हम लोग कयाकिंग को जाएंगे, 1:30 बजे हम लोग रिटर्न आ जाएंगे, कुछ शाम को निकलेंगे बैंकॉक के लिए और जाएंगे बैंकॉक. मैंने बहुत बहुत ज़्यादा बातें की थी, गॉड इट्स 4 मिनट. ओके गाइस, चलो गुड नाइट, सी यू टुमारो, बाय बाय, लव यू ऑल. और एक बात बतानी थी जो कि हम इंडियंस को समझनी चाहिए और वैसे फॉलो भी करनी चाहिए. ये जो थाईलैंड में मैंने ऑब्जर्व किया है, यहाँ पे बिल्कुल कोई कचरा नहीं फेंकता, ये यहाँ पे कोई थूकता नहीं रास्ते पे. और थर्ड थिंग वेरी मच इम्पॉर्टेंट इज दैट कि यहाँ पे हॉर्न ही नहीं बजाते. मतलब ठीक है, सामने वाला अगर रास्ते में भी है, सामने वाला अगर गलत चल भी रहा है, तो भी कोई हॉर्न नहीं बजाएगा. दे विल जस्ट फॉलो देयर ट्रैफिक रूल्स एंड इट्स वेरी गुड. ठीक है, आई थिंक हम लोगों ने भी ऐसा सब फॉलो करना चाहिए. रास्ते पे थूकना नहीं चाहिए, कचरा कहाँ पे भी फेंकना नहीं चाहिए. क्योंकि मैंने आज ही एक इंडियन कपल को भी देखा जिन्होंने प्लास्टिक बॉटल ऐसे ही पेड़ पे रख दी, विच वॉज वेरी मच डिस्गस्टिंग. कचरा कहीं पे भी नहीं फेंके और ऐसे ही ट्रैफिक रूल्स भी फॉलो करें. ओके गाइज, नाउ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, बाय बाय. ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज वॉच माई अदर वीडियोज ऑल्सो. तो ओके, होप यू गाइज लाइक माई वीडियो, टूडेज वीडियो, यस्टरडेज वीडियो, एंड आई होप यू गाइज लाइक माई टुमारो वीडियो ऑल्सो. कीप वॉचिंग गाइज, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग, कीप कमेंटिंग एंड कीप शेयरिंग. बाय बाय. डे टू. We are doing kayaking. I mean, Shri actually doing it right now. Like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. Take a step back to see the truth around you. From a distance, you can tell. Thank you.
I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful.